गाजियाबाद के रहने वाले कार्तिक घर लेने का पूरा मूड बना चुके थे। बैंक में लोन की अर्जी भी पास हो गई और जोड़ तोड़ के डाउन पेमेंट का भी इंतजाम कर ही लिया। लेकिन अपने घर का सपना कार्तिक से थोड़ा और दूर चला गया। एक तरफ बिल्डर्स ने डिस्काउंट ऑफर्स खत्म कर दिए और दूसरी तरफ दाम भी 7-10% तक बढ़ा दिए। फिलहाल कार्तिक को घर खरीदने का प्लान थोड़े दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। आगे महंगे कर्ज वाली महंगाई भी तो आती दिख रही है। खैर, पहले ये समझिए कि घर की कीमतें बढ़ क्यों गई। दरअसल घर बनाने में इस्तेमाल होने वाला हर सामान पिछले एक साल में महंगा हो गया है। सीमेंट, सरिया, कॉपर, एल्यूमिनियम सभी के दाम बढ़ गए हैं। पिछले एक साल में सीमेंट 22% महंगा हो गया। स्टील की कीमतें 30% चढ़ी हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम के दाम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। पेट्रोल डीजल की महंगाई ने परिवहन की लागत बढ़ा दी और लेबर की दिहाड़ी भी अब पहले से बढ़ गई है। रियल एस्टेट कंपनी कॉलियर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि कंस्ट्रक्शन की कुल लागत में करीब 67% हिस्सेदारी इस्तेमाल होने वाले सामान की होती है और 28% हिस्सेदारी लेबर का खर्च होता है और ईंधन की कीमतें भी इस लागत में 5% हिस्सा रखती हैं। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो महंगी ना हुई हो। पिछले एक साल में निर्माण की लागत में 10-12% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल मार्च में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन लागत 2060 रुपये प्रति स्क्वायर फीट होती थी, जो इस साल बढ़कर 2300 रुपये तक पहुंच चुकी है। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन की लागत भी पहले से बढ़ी है। यही वजह है मंदी में धसे रियल एस्टेट सेक्टर में लॉकडाउन के बाद मांग पूरी तरह से न लौटने के बावजूद बिल्डर्स ने घरों की कीमतें बढ़ा दी हैं। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी प्रॉप टाइगर की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश के 8 प्रमुख शहरों में जनवरी से मार्च 2022 के दौरान घरों की बिक्री सालाना आधार पर 7% बढ़ी है। साथ ही इस अवधि के दौरान घरों की औसत कीमत भी 7% बढ़ गई है। ये कीमतें आगे और भी बढ़ सकती हैं। कॉलियर्स के सीईओ इंडिया रमेश नायर कहते हैं कि सीमेंट, सरिया और अन्य कंस्ट्रक्शन सामग्री की कीमत आगे भी बढ़ने की आशंका है। रमेश नायर का मानना है कि इस साल दिसंबर तक घर बनाने की लागत में 8-9% तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कुल जमा बात ये कि कार्तिक की तरह हजारों अफोर्डेबल हाउस खरीदारों के लिए अपने घर का सपना महंगा होता दिख रहा है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार।